पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा ने रविवार को बैंक रोड स्थित एक निजी होटल में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था ओमकारम की ओर से आयोजित कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ ही देश और विदेश के कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। इस संस्था की ओर से जनपद में मास्टर क्लास भी चलाया जाएगा। इस क्लास में देश विदेश के वरिष्ठ कलाकार स्थानीय कलाकारों को कला के विभिन्न क्षेत्रों की शिक्षा भी देंगे। उन्होंने कहा कि संगीत की प्रस्तुति मनुष्य के मन को बहुत ही आनंद देता है, जो केवल मनोरंजन ना करे, आत्मा रंजन करे, लोगों को कुछ सीखने को मिले कि अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए। यह कार्यक्रम 21 शहरों में किया जाएगा, जो गोरखपुर जनपद से शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कुल 21 कलाकार प्रतिभाग करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा ने कहा, ये कार्यक्रम है एक ऐसे संगीत की प्रस्तुतिकरण है जो मनुष्य के मन को बहुत आनंद दे, जो केवल मनोरंजन ना करे, आत्मरंजन करे, आत्मा का रंजन, लोगों को सीखने को मिले कि अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाए। यहाँ योगाभ्यास की बात होगी, मंत्रोच्चारण होंगे। ये हम 21 शहरों में करने वाले हैं, आपका पहला शहर है, और 21 कलाकारों को प्रस्तुत करेंगे हर कार्यक्रम। आज भी हम बहुत नई प्रतिभाओं को प्रस्तुत करेंगे। लोकल 10 तो लोकल है, तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे देश में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं, ऐसी ऐसी सुंदर, मैं तो सुन के दंग रह जाता हूँ, ऐसी ऐसी सुंदर सबको सामने लाना है, जिससे लोगों को पता लगे कि ये प्रतिभाएं इंजेक्शन से नहीं पैदा होती हैं, ये ईश्वर देता है। तो कोई दवाई कैप्सूल नहीं मिलता कि खा लो और गाने लगो, अच्छा ईश्वर देता है, अब उसको चमकाना जो है वो हमारा काम। इसका तात्पर्य यह है कि पहले लोग हमको लूट लेते थे, चिड़िया को तो लूट लेंगे ना, अंग्रेजों ने कम लूटा, लूट के निकल गए सब, कोई नूर भी वहाँ पड़ा, चिड़िया थी, चिड़िया को दबोच के ले गए सब। अब इन्होंने बना दिया सोने का शेर, अब कोई आके दबोचे, अब किसी में हिम्मत हो तो आए। तो हमने इसकी लाइन बदल दी है कि जहाँ डाल डाल पर सोने के शेरों ने किया बसेरा, वो भारत देश है।